कैसे हैं आप सब। सो होप आज अपना सेकंड डे है इस सीरीज के अंदर, और आज अपने मैथ्स के अंदर जो सेशन कवर करने वाले हैं उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका हालचाल कैसे हैं, बढ़िया चल रहा है सब। एंड सेकंड थिंग, सेशन की शुरुआत करने से पहले एक टीचर का दायित्व भी बनता है कि उसने जो कल टास्क दिया था उसके बारे में वो पूछे कि कल वाला जो टास्क है वो आपका कंप्लीट हुआ या अभी तक नहीं हुआ। सो जल्दी से कमेंट करके बताएगा कि जिन भी कैंडिडेट्स ने कल मेरा प्रॉपर सेशन लिया था उन्होंने जो अपना टास्क है वो कंप्लीट किया या नहीं किया। अगर आपने किया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए और आप प्रॉपर वे में उस टास्क को कवर कीजिए। देखिए मैं आपको डेली रूटीन के अंदर टास्क भी दूंगा जिससे आपकी स्पीड बूस्टअप होगी, आपको वर्कशीट भी प्रोवाइड करवाऊंगा, और पूरा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा मेरा किसी भी टॉपिक को करवाने का। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले कोई भी टॉपिक अपनी शुरुआत करेंगे तो मैं उसका सबसे पहले बेसिक्स आपसे साथ डिस्कस करूंगा, कंप्लीट बेसिक। हर एक टॉपिक का बेसिक कवर करने के बाद अपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्वेश्चंस भी करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अपने कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपकी जो अभी जो कमेंट्स वो मैं देख लूं कि सब कुछ ओके चल रहा है, नहीं चल रहा, किस तरह से कवर हो रहा है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा एंड बताइएगा कि किस तरह से आपको कवर करना है। हाँ जी, ओके, वेरी गुड। सो अभी तक किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया है। ओके ओके, हैरी संधु कंप्लीट है सर, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी हैरी जी, आपने वो चीज कवरअप की है, अब अपनी नेक्स्ट थिंग इसके अंदर कवरअप करने वाले हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल प्रांशु जी, आगे की जो क्लास है वो आपकी हिंदी में प्रोवाइड होगी, और अपने अब सेशन की शुरुआत करते हैं, प्रॉपरली इसे कवरअप करते हैं। हाँ जी ओके, सो आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, आज की सबसे पहले अपनी ट्रिक कवरअप करते हैं कि मैंने आपको कल बोला था कि मैं आपको डेली बेसिस पे ट्रिक कवरअप करवाया करूंगा, एंड आज की जो ट्रिक है उसको अपने अच्छे से कवरअप करते हैं। ट्रिक ऑफ द डे सबसे पहले कवरअप करते हैं, देन उसके बाद आज मैं एक टॉपिक की शुरुआत भी करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कौन सा टॉपिक कवरअप करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास है ट्रिक ऑफ द डे, क्या चीज पढ़ने वाले हैं, आज की ट्रिक क्या है हमारी। देखिए स्टूडेंट्स, जिस भी संख्या का पहाड़ा आपको आता है और उसका आपको जल्दी से मल्टीप्लिकेशन करना है किसी बड़ी संख्या के साथ, तो वो मल्टीप्लिकेशन आप किस तरह से कवर करोगे। जैसा आप छोटी क्लासों में किया करते थे ना, वैसा अपने को टारगेट नहीं करना है। छोटी क्लासों में जब अपने कोई भी गुना करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत हमारी क्या होती है, कैरी, यानी कि हमारी आंसर, ये हमारे लिए दिक्कत क्रिएट करती है। और मैंने आपको ये बात बोली थी और मैं आज भी बोल रहा हूं कि अपने जो स्पीडी मैथमेटिक्स करेंगे उसमें अपनी कोई कैरी या हंसिल कवरअप नहीं करनी, अपने इसका कॉन्सेप्ट ही खत्म कर देंगे। हमारी जो कैरी या हंसिल होगी वो हमारी कैलकुलेशन में डायरेक्ट आया करेगी। आज मैं आपसे कैलकुलेशन की वो ट्रिक कवरअप करने वाला हूं जिसने मेरी जिंदगी के अंदर काफी इफेक्ट डाला, मेरी जो कैलकुलेशन है उसमें काफी बूस्टअप किया, और मेरा जो डर था कैलकुलेशन का उसको क्या क्या रिमूव किया। वो क्या है, अब ध्यान से समझिएगा, कोई भी गुना अगर आपको करना हो तो उस गुना को कवरअप करने का सही मेथड क्या है, और एग्जाम जो कंपिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें उसे कैसे कवरअप किया जाता है। देखिएगा स्टूडेंट्स, आप छोटी क्लासों में जैसे मैंने आपको दिया 195, इसका आपको मल्टीप्लीकेशन करना है 6 से, तो आप छोटी क्लासों में इस तरह से कवरअप करते हो कि 6 का सबसे पहले आपने 5 से गुना किया 30, जिससे आपने साइड मिली थी 3, देन 9 का 6 से गुना किया 54, 54 और 3 57, तो आपने हंसिल उसके बाद हमारी 5 उसको साइड मिली थी, देन 6 कम 6 और 6 और 5 इसके अंदर जोड़ के दिया, ये आपका रिक्वायर्ड क्या आ गया, आंसर आ गया। आप इस तरह से कवरअप करते, लेकिन अपने को ये वाला मेथड, ये हंसिल वाला कॉन्सेप्ट टारगेट नहीं करना है। अब कैसे करना है वो ध्यान से समझेगा,
मेरी यहां जो भी कैलकुलेशन होगी उसमें हासिल नहीं होगी। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, आप छोटी क्लासों में यहां से कैलकुलेशन करते हो, लेकिन मैं जो कैलकुलेशन करवाऊंगा वो टीचर से शुरू होगी, यानी कि आपकी कोई भी जो कैलकुलेशन होगी गुना होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू होगा। आपको बाईं ओर से अपना जो कैलकुलेशन है यानी गुना करना है वो शुरू करना है। किस तरह से करना है वो ध्यान से समझिए। मैं यही क्वेश्चन अपने तरीके से करके बताता हूं आपको किस तरह से कवर करना है। 195 मल्टीप्लाई बाय 6 किस तरह से लिखा होता है हमारे पास, तो आपको सबसे पहले इस 6 का गुना 1 से करना है। यहां से शुरुआत कर रहा हूं मैं, 6 गुना 1 6 का 6 देन सेकंड थिंग बात की जाए 9 का आपको 6 से गुना करना है। 9 का जब 6 से गुना करोगे आपके पास कितना आएगा 54, तो 54 आपका 5 देखने में बिल्कुल आपका ये आपको 54 दिखेगा। 54 यहाँ पर आपका कवर अप हो गया। देन मैंने कल भी बोला था 54 के अंदर जो आपकी हासिल है वो 7 वाले को लिख दिया और जो आपकी 4 है उसको आप लिख दिया। देन नेक्स्ट 6 5 30 30 के अंदर भी टारगेट के अंदर हासिल आपकी क्या होगी 3, इस 3 को 7 वाले को लिखना है और 0, देन इसको आपको जोड़ देना है 0 7 होगा। सेम वही आंसर आपका यहाँ टारगेट होगा जिससे आपको क्या करना होता है कवर अप करना। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहां पर इस तरह का कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका पहाड़ा आपको आता है उसका आपको किसी भी बड़ी संख्या के साथ गुना करना है तो आप इस तरह से कवर अप करोगे। एग्जाम्पल के लिए मैं 2 क्वेश्चन रो लेता हूं और आपको कवर करके बताता हूं। पहला क्वेश्चन ये एग्जाम्पल्स ले रहा हूं ताकि आप इसे अच्छे समझ सके। आपके पास है 4760 इसको मल्टीप्लाई आपको करना है 9 से। और सेकेंड एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं 2185 इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 18 से। अगर आपको 9 और 18 का पहाड़ा आता है तो आप इस कैलकुलेशन को काफी जल्दी कर सकते हो। करने का तरीका क्या है, वही चीज 9 को 4 से गुणा करेंगे 9 2 36 9 7 63 63 9 6 54 5 4 और 9 का 0 से गुणा किया 0 उसके बाद आपको जोड़ देना है 0 4 8 2 आपका जनरली जोड़ किया है आपका आंसर आ जाएगा। जिसका पहाड़ा आता है आप फटाफट ये करो आपका रिक्वायर्ड आंसर रेडी है। कुछ हासिल आपको याद रखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट वन कवर करते हैं 18 का 2 से गुणा किया 36 18 का 1 से गुणा किया 18 18 का 8 से गुणा किया 144 अब 144 में आपके हासिल क्या होगा 14 तो 14 को 7 वाले ग्रुप पर लिखना है। दिखने में बिल्कुल आपको 144 दिखेगा ही। देन 18 का 5 से गुणा किया 18 5 अब आपको जोड़ देना है 0 9 और 4 कितना हो गया आपके पास 13 8 और 4 12 और 1 13 7 और 2 9 पूरा कर दिया आपने जोड़ किया आपका रिक्वायर्ड आंसर रेडी है जो आपको कवर अप करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से ये गुना आपको कवर अप करना है। अब मैं आपको जल्दी से आपको अपनी कॉपीज खोलनी है। आपको 2 से 3 इस तरह के एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपको मुझे 16 उत्तर के बताना है कि आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करना है आपको। आपको मैं वो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको वो सॉल्व करने हैं। आपको मैं एक बात बता देता हूं कि जब भी आप मेरी क्लास में आओगे राइट 2 बजे आपको अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है। जैसे आपकी कोई इंस्टीट्यूट में क्लासेस लगती हैं ये ऑनलाइन क्लासेस भी उस तरह से चलेंगी और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मैं दिया करूंगा और आपको उन्हें सॉल्व आउट भी करना होगा और आप अपना टास्क भी कवर अप करोगे। हर एक चीज बेसिक से शुरुआत करके हाई लेवल तक के क्वेश्चंस मैं आपको लेकर चलूंगा। मैं आपको कंप्लीट मैथ्स कवर करवा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हो या रेलवे के लिए पढ़ रहे हो या फिर आप किसी बैंक के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। जो भी टॉपिक मैं शुरू करूंगा बिल्कुल 0 लेवल टू हाई लेवल क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस किया करूंगा और बताया करूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन इस एग्जाम में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन इस एग्जाम में आते हैं ताकि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है अलग अलग एग्जामिनेशन वो रिस्पेक्टिव उस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर सकता है। तो क्वेश्चन दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन आपको कवर अप करना है 2795 का मल्टीप्लीकेशन करना है आपको 8 से। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है 3725 का मल्टीप्लाई करना है आपको 12 से। थर्ड क्वेश्चन 9784 का मल्टीप्लीकेशन करना है आपको। बिल्कुल जनरल से क्वेश्चन दिए हैं, जल्दी से आपको उनका सॉल्यूशन करना है और कमेंट देना है कि आपका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट लिखूं, मैं कमेंट को देख चेकआउट कर रहा हूं। हां जी,
जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट सारे चेकआउट कर रहा हूं कि क्या कमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट। ओके, किसी ने भी आंसर नहीं निकाला, अभी कोई भी कॉपी पेन लेकर नहीं बैठा अभी, जल्दी से बताइएगा अभी आपके सॉल्यूशन। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट करने हैं, जल्दी से कवर अप कीजिएगा। ओके वेरी गुड, पुरुषोत्तम जी एक क्वेश्चन का आंसर दिया है 22360। बंटी जी ने दिया है सेकंड। ओके वेरी गुड। ओके तो अब अपने टारगेट करते हैं, इसका सॉल्यूशन कवर अप करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं 8 2 16 8 2 7 56 8 9 72 and 8 5 40। आपको फटाफट जोड़ना है 6 7 को 6 आपकी 13 देन उसके बाद 12। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। 12 से गुणा करते हैं 12 3 36 12 7 84 12 2 9 24 12 5 0 6 4 10 7 4। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। लास्ट वन को टारगेट करते हैं, ऊपर लिख रहा हूं लास्ट वन का सॉल्यूशन। 4 से गुणा कर 9 चौका 36 7 चौका 28 8 चौका 32 एंड 4 चौके 16। अब आपको इसको जोड़ देना है 6 3 8 2 3 11 9 3। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो मैं तीन क्वेश्चन लिए थे इसके आंसर आपके क्लियर है। अब बड़े आगे स्टूडेंट्स, ये थी आपकी ट्रिक ऑफ द डे। आपको कोई भी गुना करना है तो किस तरह से करोगे, मेरी जो जनरल कैलकुलेशन होगी, कभी भी किसी टॉपिक में कैलकुलेशन करता हूं मैं इसी तरह की गुना करूंगा और आपको इसे क्या करना होगा कवर अप करना। अब देखिएगा इस ट्रिक का बेनिफिट इतना ही नहीं है, मैं कैलकुलेशन लिखता हूं उसका आप बड़ी आसानी से गुना कर पाओगे अगर आपको ये ट्रिक पता है। यहां से देखिएगा आपके पास क्वेश्चन आ गया 122 मल्टीप्लाइड बाय 318। ये आपको कवर अप, तो क्या इस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने अभी ट्रिक कवर अप करवाई उसका यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहां देखिएगा स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को जो मैंने अभी ट्रिक कवर अप करवाई है उससे प्रॉपरली कवर अप कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, देखिए आपको या तो इसके लिए या तो 122 का पहाड़ा या टेबल आना चाहिए या 318 का टेबल आना चाहिए। अब माइंड में आता है कि सर पहाड़ा तो दोनों का ही नहीं आता, लेकिन आप एक सिंपल से बात देखिए, क्या 318 का दुगना नहीं कर सकते आप? डेफिनेटली आप माइंड में इसका क्या कर सकते हो, दुगना कर सकते हो। तो सबसे पहले वही ट्रिक, 318 को आपको 1 से गुणा करना है, इससे शुरुआत करते हैं तो 318। उसके बाद आपको 318 का डबल करना है, 318 का डबल कितना होगा 636। देन उसके बाद अगेन 318 का 2 से गुणा करना है 636। अगेन आपको इसे अब जोड़ देना है 6 6 और 3 9 8 और 3 11 11 और 6 17 7 और 1 8। ये आपका रिक्वायर्ड क्या है, आपको यहां वो 5 स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप इसी ट्रिक का यूज करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, प्रॉपरली ऑब्जर्व कर लीजिए कि जिस भी संख्या का पहाड़ा आप माइंड में बना सके या आपको पहाड़ा याद हो उस कैलकुलेशन को आप आसानी से इस पैटर्न से सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब अपने आगे बढ़ते हैं, आज जो अपने टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम शुरू करने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक है, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। फर्स्ट टॉपिक हमारा जो हम टारगेट करने वाले हैं वो है एलसीएम एंड एससीएम। एसएससी के एग्जाम में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन रहता है। अगर प्री की बात की जाए तो एक क्वेश्चन और मेन की बात की जाए 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलेंगे। अगर अपने बात करें अभी जो रेलवे के एग्जामिनेशन होने वाले हैं या एसएससी जीडी के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें भी यहां से एक क्वेश्चन श्योर है आना ही आना है। आपको ये टॉपिक बिल्कुल बेस लेवल से शुरू करते हुए टॉप लेवल तक मैं लेकर चलूंगा और टॉपिक हमारा एलसीएम और एससीएम। सबसे पहले इसका जो बेसिक है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और मैं आपको आज जो करवाने वाला हूं वो करवाने वाला हूं एलसीएम के बारे में। एलसीएम क्या होता है, किस तरह से एलसीएम निकाला जाता है, सर्स वाली वैल्यूज का एलसीएम किस तरह से निकलेगा, भिन्न संख्याओं का एलसीएम किस तरह से निकलेगा, सही पैटर्न क्या है, फास्ट
पांचवे क्या है एलसीएम निकालेगा, हर एक चीज डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। आज इसकी शुरुआत करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक नॉलेज मैं आपको इसके अंदर प्रोवाइड करवाने वाला हूं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें एलसीएम की, फुल फॉर्म अपने कवर करते हैं, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर भी बोल देते हैं, मल्टीपल भी बोल देते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब क्या हो गया, छोटे से छोटा। कॉमन आपको पता ही होगा, जो सब में आपको वह लिस्ट आए कॉमन आए। मल्टीपल क्या होता है आपका, गुणज, फैक्टर्स भी आप एक तरह से कवर कर सकते हो। तो यहां पर ये सिर्फ नाम से मैंने कवर किया, एक एग्जांपल से कवर करता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 12, 18, 30, ये जो वैल्यूज मैंने यहां लिखी हैं 12, 18 और 30, पहले छोटा ले लेता हूं आपको समझाने के लिए, 12 और 18, इन दोनों वैल्यूज का मुझे एलसीएम लेना है तो वो कितना आएगा। अगर यहां बात की जाए 12 और 18 का जो एलसीएम होगा वो होगा 36। अगर बात की जाए एलसीएम को मैं 36 ही ले सकता हूं, या फिर मैं 72 भी ले सकता हूं, या फिर मैं 108 भी ले सकता हूं। सही एलसीएम क्या होगा, 36 होगा, 72 होगा या 108 होगा। तो यहां पर अगर मैं सिंपल वे में टारगेट करूं तो एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर आप जो भी संख्याएं आपको दे रखी हैं इसका पूरा पूरा भाग दे सकते। तो यहां पर अगर अपनी बात करें तो 72 के अंदर भी 12 और 18 का पूरा भाग जा रहा है, 108 के अंदर भी 12 और 18 का पूरा भाग जा रहा है, 36 के अंदर भी 12 और 18 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। लेकिन इनमें से जो लीस्ट वैल्यू होगी, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, वो क्या कहलाएगी, आपका एलसीएम कहलाएगी। इसमें जो लीस्ट वैल्यू होगी वही आपका क्या कहलाएगी, एलसीएम कहलाएगी। यही एलसीएम का मतलब है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग दिया जा सके वो संख्या क्या होती है, आपकी एलसीएम कहलाती है। अब बात आती है कि मैंने जो दो वैल्यूज दी, क्या आपको माइंड में इनका एलसीएम निकालना आता है या नहीं आता। अगर आपको कोई भी संख्या मैं दे दूं, अगर आप माइंड में उसका एलसीएम निकाल दे तो दैट इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू, बहुत अच्छी चीज है जो आप कवरअप कर सकते हो। और मैं सभी को आज एलसीएम फास्टली कैसे कवरअप करते हैं वो प्रॉपरली सिखाऊंगा। उसके लिए एक छोटा सा नोट अपने को कवर करना है, अगर आप फास्ट वे में चाहते हैं कि आपका एलसीएम कवर हो तो एक छोटा सा नोट कवर करना है। और एलसीएम का वो नोट हमेशा हमें ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि कई बार अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ने पर अपने को ये नहीं पता चलता कि एलसीएम निकालना है या एससीएफ निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वो नोट को अच्छे से कवरअप करना है। वहां से अपने क्वेश्चन को देखकर भी जजमेंट कर सकते हैं कि एलसीएम आपका उत्तर होगा या एससीएफ आपका उत्तर। तो जनरली वो नोट कवर अप कर दें, ध्यान से समझिएगा। वो नोट क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है कि एलसीएम का जो मान होता है ना, वो ऑलवेज जो भी आपको वैल्यूज दे रखी हैं या तो उनसे बड़ा होगा या उनमें जो बड़ी संख्या है उसके बराबर। ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल से कवर करता हूं, बड़े सिंपल एग्जांपल है ना, ताकि आपको मैं समझा सकूं। देन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको दूंगा तो उसमें बड़ी वैल्यूज दूंगे मैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मैंने लिया 4 और 8, ये दो वैल्यूज हैं मेरे पास। अगर मैं बात करूं इनके एलसीएम की, 4 और 8 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आना चाहिए। और सेकेंड में अगर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिया मैंने 2.3, अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूं तो इसका एलसीएम कितना होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, अगर मैं बात करूं 4, 8 और 12, अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूं तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 24। अगर आप प्रॉपरली ऑब्जर्व कर रहे हो तो एलसीएम का जो वैल्यू आ रही है यहां पर हमारे पास 8 आई, या यहां पर 6 आई, या यहां पर 24 आई, ये वैल्यू जो होगी, जो भी संख्याएं जिसका आप एलसीएम निकाल रहे हो, ये वैल्यू या तो उसकी बड़ी संख्या के बराबर होगी, ये आपकी बड़ी संख्या के 8 उसके बराबर आ रही है, या फिर इनसे भी क्या होगी, बड़ी होगी। एलसीएम का मान कभी भी दी गई संख्याओं से छोटा, क्या बोला कि एलसीएम नहीं हो सकता,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर एलसीएम और एससीएफ से संबंधित प्रश्न में आपको ये ना पता चले कि आपको एलसीएम निकालना है या एससीएफ निकालना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको ऑप्शन देखने अपने क्वेश्चन में। अगर आपके ऑप्शन के मान दी गई संख्याओं से क्या है, बड़े हैं, अगर आपके ऑप्शन के मान दी गई संख्याओं से बड़े हैं, तो आपको डेफिनेटली वहां पर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। तो यहां से ये चीज आपको कवर हो। सेकंड थिंग, अगर आप माइंड में एलसीएम निकालना चाहते हो तब भी मुझे इसी नोट की जरूरत है, क्योंकि एलसीएम निकालते वक्त मैं जो बड़ी संख्या है संख्याओं के बारे में तो अपना जो एलसीएम है वो डेफिनेटली अपने माइंड में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूं और आपको ट्रिक बताता हूं कि आप एलसीएम माइंड में किस तरह से कवर अप कर सकते हैं और आप जल्दी से जल्दी एलसीएम किस तरह से बना सकते हैं। आपका पूरा फोकस होना चाहिए मैं एग्जाम्पल पे। दो से तीन एग्जाम्पल ले रहा हूं और इसी नोट को मैं कवर अप करूंगा, जो मैं नोट ऊपर लिखा इसे मिटा नहीं रहा हूं। और नेक्स्ट वाली वैल्यूज है मेरे को सबका क्या लेना है, एलसीएम। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कैसे लेते हैं मैं आपको बता। आपके पास वैल्यूज है 12, 24, 100, इनका मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। तो आप देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से, इसमें से सबसे बड़ी संख्या है 24, तो मेरा जो एलसीएम है दैट शुड बी 24 हो सकता है। तो सबसे पहले मैं चेकआउट करूंगा क्या 24 के अंदर 12 का भाग जाता है या नहीं जाता। 24 के अंदर 12 का भाग जाता है तो इसका मतलब इसके इन दोनों संख्याओं को अकॉर्डिंग हमारा एलसीएम कितना आ गया, 24। लेकिन मेरे पास तीसरी संख्या भी है, इसको भी जजमेंट करनी है। तो क्या 24 के अंदर 16 का भाग जाता है, नहीं जाता, नहीं जाता। और मेरे पास ये माइंड में मेरे क्लियर है कि एलसीएम तो वो संख्या होगी जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। तो मुझे अब क्या करना है, इस 24 के पहाड़े को कवर करना है, इसके टेबल को कवर करना है। 24 × 48, तो क्या 48 के अंदर इसका पहाड़ा मैंने दो तक पढ़ा, 48 आया। क्या 48 के अंदर 16 का भाग जाता है, यस, 48 के अंदर 16 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो आपका जो एलसीएम है वो क्या आ गया, 48। समझ आया कि मैंने सबसे बड़ी संख्या को पहले पिक किया 24, ठीक है। देन मुझे ये बात क्लियर थी, या तो बड़ी संख्या हुई या उससे बड़ी संख्या हुई, सबसे बड़ी संख्या को पिक कर लेना। फिर उसके बाद आपको बाकी जो संख्याएं हैं उस बड़ी संख्या में बाकी छोटी संख्याओं का भाग देकर देखें, 12 में 24 में 12 का भाग जाता है, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग एलसीएम 24 आ गया। लेकिन दी संख्या भी है, इसमें भाग नहीं जा रहा, तो आपको 24 का पहाड़ा पड़ना है। 24 × 48 के अंदर आपका 16 का भाग जाता है, डेफिनेटली आपका एलसीएम क्या है, 48। एक एग्जाम्पल और कवर करते हैं, यहां से देखिएगा वैल्यूज आ गई आपके पास 18, 15, 24। मुझे क्या करना है, इनका एलसीएम कवर करना है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, 30। मेरा एलसीएम 30 हो सकता है। अब कंफर्मेशन नहीं बोल रहा हूं, आपको चेकआउट करना है। 30 में 15 का भाग देके देखो, तो इन 30 के अंदर 15 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इन दोनों संख्याओं के अकॉर्डिंग आपका एलसीएम क्या बन गया, 30 बन गया। लेकिन क्या 30 के अंदर 18 का भाग जाता है, नहीं जाता। तो आपको अब क्या करना है, 30 का पहाड़ा करना है। 30 × 2 कितना होता है, 60। क्या 60 के अंदर 18 का भाग जाता है, नहीं जाता। अगर आप पढ़ेंगे 30 × 3 कितना होता है, 90। 90 के अंदर 18 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो डेफिनेटली आपका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 90। अगर आपके पास इस तरह की वैल्यू आई है तो इस तरह से आप अपना एलसीएम माइंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसी संख्याएं आ जाए जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, उनका एलसीएम कैसे निकलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अब बात करूं, मैंने आपको वैल्यू दी 4, 5, 5, इनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या इन तीनों में कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो आपका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 4 × 5 × 5, 5 × 20, 20 को आप जब 6 से गुना करोगे 1 आपका क्या आएगा, एलसीएम। ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उनका जो एलसीएम होता है उनका मल्टीप्लीकेशन होता है, लेकिन ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ कॉमन हो उसका एलसीएम निकालने का जो पीछे फॉर्मेट बताया है वही आपको टारगेट करना है। इसके बेस पर आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको उनका क्या निकालना है एलसीएम, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आपका जो एलसीएम है वो क्या है। और मैं भी आपको फास्टली कवर अप करवाऊंगा, आपको
ज्यादा वेट नहीं करना होगा सॉल्यूशन के लिए, बिकॉज ऑफ आप वीडियो पोस्ट करके भी इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हो, लेकिन मुझे प्रॉपर वे में जल्दी से इसे कवरअप करना है ताकि कम समय में अपने ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। तो यहां कवर कीजिएगा आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जिसका आपको एलसीएम निकालना है, वो वैल्यू है आपके पास 18, 15 और 20। सेकेंड है 24, 36 और 16। थर्ड वन है हमारे पास 8, 9 और 10। इनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। जल्दी से आंसर कीजिएगा कि आपका जो रिक्वायर्ड एलसीएम है वो क्या होगा। जल्दी से कवर कीजिएगा, हाँ जी जल्दी से कवर कीजिएगा, इसके जो आपके एलसीएम है वो क्या क्या होंगे। ओके जल्दी से कवर कीजिएगा, मैं आप वेट कर रहा हूं आपके कमेंट्स की। पहले क्वेश्चन का जो एलसीएम है वो कितना आएगा, सेकंड का कितना आएगा, थर्ड का कितना आएगा, आपको कवर अप करना है प्रॉपर वे में, आपको मैनेज करना है माइंड के अंदर इसे कवर करने की कोशिश करनी है। ओके पहले का कईयों ने आंसर दिया है 180। ओके सेकंड का आंसर क्या आएगा, आपको जल्दी से कवर करना है। ओके सो जल्दी से कमेंट करने की, आप वीडियो पोस्ट करके कमेंट कीजिएगा, उतनी देर में आपके जो सॉल्यूशन है मैं वो कवर करवाना शुरू करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात की जाए, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 20। लेकिन अगर मैं बात करूं 20 के अंदर ना तो 15 का भाग जाता है ना ही 18 का भाग जाता है, तो यहां पर मैं 20 का पारा करता हूं, 20 दुना 40 के अंदर 15 का जाता है, 20 या 60 के अंदर 15 का भाग जाता है। तो इन दोनों संख्याओं के अकॉर्डिंग हमारा एलसीएम कितना बन गया, 60 बन गया। अब फिर दिक्कत है हमारे पास, क्योंकि 60 के अंदर 18 का भाग नहीं जाता है। अब आपको 60 का पहाड़ा जो है वो कवर करना है, तो 60 गुना 120 के अंदर नहीं जाता, 60 दिया 180 के अंदर 18 का पूरा भाग जाता है, तो आपका जो एलसीएम है कितना आ गया 180। क्लियर स्टूडेंट्स, आपका जो सेकेंड फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 180 आएगा। किस तरह से आएगा वो मैंने यहां पर आपको कवर करवाया है। क्लियर, सबसे पहले मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले 20 को टारगेट किया, 20 आपकी क्या है, सबसे बड़ी संख्या है, उस बड़ी संख्या के अंदर मैंने 15 का भाग दिया नहीं जा रहा था, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग 60 वैल्यू निकली, जिसके अंदर 15 और 20 दोनों का भाग जा रहा था, लेकिन इस 60 के अंदर 18 का भाग नहीं जा रहा था, तो 60 का पहाड़ा मैंने लिया, तो 60 गुना 3 180 में 18 का पूरा भाग जाता है आपका एलसीएम। नेक्स्ट वन टारगेट है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 36। अब आप करें क्या 36 के अंदर 24 का भाग जाता है या नहीं जाता। जनरल सी बात है 36 के अंदर 24 का भाग नहीं जाएगा, तो अपने को क्या करना है, 36 का पहाड़ा पढ़ना, 36 गुना 72। इस 72 के अंदर देखें तो इस 72 के अंदर 36 और 24 दोनों का भाग जाता है, इस 72 के अंदर 36 और 24 दोनों का भाग जाता है, लेकिन इस 72 के अंदर 16 का भाग नहीं जाता, तो आपको 16 का पहाड़ा पढ़ना है, 72 का पहाड़ा पढ़ना है, दोस्तों इस दोनों के अकॉर्डिंग 72 आ गया, 72 गुना 2 144, 144 में 16 का पूरा भाग जाता है, तो आपका एलसीएम है दैट शुड बी 144। आप जब तक इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये चीज आपके माइंड में कवर नहीं होगी, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन अगर अपने बात करें तो ये तीनों ऐसी संख्याएं हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं, इनका एलसीएम जो होगा इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, एंड 720 आपका क्या आएगा, 720 आपका एलसीएम। ये आपका एलसीएम काउंट करने का फर्स्ट मेथड है जिसको अपने कवर करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, तो अब अपने को वो वैल्यूज लेनी है जिनका एलसीएम निकालने के लिए अपने को एक मेथड ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि एलसीएम का बेसिक जो नॉलेज है वो काफी जरूरी है प्रश्नों को हल करने से। आपने एग्जाम में काफी ऐसी वैल्यूज देखी होंगी जिनकी पावर काफी बड़ी होती है, आपको क्या करना है उनका एलसीएम निकालना, यानी कि सर्ट्स वाली जो वैल्यूज हैं उनका एलसीएम किस तरह से निकलेगा वो अपने को कवर अप करना है। तो अपने अब नेक्स्ट थिंग कवर अप करने वाले हैं ऐसी वैल्यूज जिनकी पावर होती है, यानी कि सर्ट्स से रिलेटेड जो वैल्यू होती है उनका एलसीएम किस तरह से लिया जाता है।
तो उसका एलसीएम लेने के लिए सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है, वो क्या कि जो भी वेरिएबल आएगा या जो भी अभाज्य गुणनखंड आएगा, इंडिविजिबल मल्टीपल आएगा, आपको उसकी मैक्सिमम पावर को लेना है। एलसीएम ऑलवेज किसको बताता है? मैक्सिमम पावर को बताता है। बड़े शॉर्ट में बता रहा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं लिख रहा हूं कि मैक्सिमम पावर को बताएगा किसकी, जो भी वेरिएबल्स आ गए, अगर प्रश्न में अगर वेरिएबल दे रखे तो वेरिएबल या जो भी संख्या आ गई उसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उसकी मैक्सिमम पावर को कौन बताएगा? एलसीएम बताएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां कवर करूं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आपके पास वैल्यू आई x² y² x³ y² x y की पावर 4 z का, आपको क्या निकालना है? लेस। अगर आप इनका लेस है फाइंड आउट करना चाहते हो, तो मैंने भी क्या बताया, जो भी वेरिएबल आया उसकी मैक्सिमम पावर को आप, यहां वेरिएबल की बात कीजिए, पहला वेरिएबल क्या x, मैक्सिमम पावर की यहां 2 है x की पावर, यहां 3 है और यहां 1 है, कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब कितना होता है 1 होता है। तो मैक्सिमम कहां दिख रहा है x की पावर आपको? 3 दिख रही है, तो 3 आपका क्या है? सेकंड क्या करते हैं y, तो y की जो मैक्सिमम पावर है वो कौन सी, y की यहां 8 है, यहां 8 है और यहां कितनी, 4 की मैक्सिमम पावर दी गई है। देन आपके पास z, z की मैक्सिमम पावर कौन सी, यहां 8 है, यहां आपके पास 2 है, यहां आपके पास 1 है, तो 2 आपका, ये आपका हो गया, ये आपका LCM है इस प्रश्न को। तो ये रही चीज। अब एक और एग्जांपल लेता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल, कई बार एग्जाम में 2^-4, 2^-8, 2^-6 का आपको क्या निकालना है? इस वैल्यू का आपको लेसर निकालना है, तो क्या होगा? तो यहां पर अगर हम कवर करें तो इसका लेसर निकालने के लिए आपको वही सेम चीज मैक्सिमम पावर को ध्यान में रखना है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहां पे आप मैक्सिमम पावर को देखोगे तो आप बताओ -4, -8 और -6 में से मैक्स वैल्यू कौन सी है? अगर मैं माइनस की बात करूंगा तो मैक्स वैल्यू जो होती है -4, इसलिए आपका जो लेस आएगा वो आएगा 2^-4, जो कि आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर है? तो अगर ऐसी वैल्यू जिनकी पावर आपको दे रखी है, सर्स मैं आप उनसे टारगेट कर रहा हूं, जिनकी पावर आपको दे रखी है, उनका लेसर निकालने के लिए आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी, जो भी वेरिएबल्स आए उनकी मैक्सिमम पावर को आपको टारगेट करना। फॉर एग्जांपल यहां पर अब मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, उसका अपने आंसर टारगेट करते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, मैक्सिमम पावर को ही अपने को टारगेट करना है। मैंने क्वेश्चन लिया a b c d square a square d c का लेस। अब आप ध्यान से देखना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। आपको पहले वाले में सिर्फ a और d मिला, इसमें c d मिल गया, इसमें a d c मिल गया, यानी कि हर एक टर्म के अंदर आपके पास सारी वेरिएबल ही, कुछ लिमिटेड ही। तो आपको LCM अगर लेना है तो सभी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को लेना होगा। तो सबसे पहले अपने देखते हैं a, तो a की जो मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है, यहां 1 है, यहां 1 है, यहां है ही नहीं, यहां आपके पास 2 होगा। b की मैक्सिमम पावर यहां 2 है या आपके पास नहीं है, तो 2। c की अगर अपने बात करें तो मैक्सिमम पावर कितनी है आपके पास, 1 है, 1 यहां है, 1 यहां है, 1 यहां है। और d की अगर अपने बात करें तो d की मैक्सिमम पावर आपको कितनी दिख रही है, d की मैक्सिमम पावर आपको 2 दिख रही है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये आपकी वो वैल्यू है जिनका एलसीएम निकालने के लिए आपको मैक्सिमम पावर को टारगेट करना। तो ये आपके सर्च से रिलेटेड, यानी कि ऐसी वैल्यूज जिनकी पावर होती है उनका एलसीएम निकालने का मेथड है। अभी इसके बाद हमारे पास वर्डिंग वाले क्वेश्चंस भी हैं, हमारे पास भिन्न संख्याओं का लेसर निकालने का मेथड्स भी है, वो भी अपने को कवर अप करना है, तो वो अपने करेंगे नेक्स्ट अगले सेशन के अंदर। लेकिन जाने से पहले वही चीज, टास्क लेना है, टास्क आपको देना है, उस टास्क को आपको कवर करके आना है। तो क्या टास्क है आपका, वो आपको कवर अप करना है कल की क्लास के अंदर। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगेन टेबल्स कवर अप करनी है, बिकॉज ऑफ एक दिन में नहीं माइंड मिस्टेक होती, जब तक आप डेली रूटीन के अंदर
कैलकुलेशन माइंड में नहीं करोगे, आपकी वो चीज माइंड में कवर अप नहीं होगी। आपको टेबल्स सबसे पहले कवर अप अगेन करनी है, लेकिन आपको करनी है 31 to 45, ये वाली टेबल्स आपको अपने माइंड के अंदर बनाकर अपनी कॉपी पर लिखनी है, यानी कि आपकी सारी कैलकुलेशन माइंड में होना चाहिए। आप काटा पिटी जो करते हो वो माइंड में चलना चाहिए, साइड में नहीं करना। सेकेंड थिंग, आपको स्क्वायर फिर से अगेन बनाने हैं। आज मैं फिर से वही दे रहा हूं, स्क्वायर आपको टारगेट करने हैं 25 to 125 और बनाने हैं। आजाद और बना लीजिए, देन मैं जो ट्रिक्स कवर अप करवाऊंगा इन्हें आपको माइंड में कैसे बनाना है वो भी बताऊंगा। कल मैंने आपको लिखकर बताया था कि लिखकर आपकी स्क्वायर कैसे बनती है, माइंड में भी बताऊंगा, आप उसको भी कवर अप कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, ये आपका टास्क है जो आपको कल की डेट के अंदर कवर करके आना है। सो आज अपने इतना ही कवर अप करेंगे, होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। फिनिश इवेंट आना है ना।